welcome to bollywood hangama nezi first of all Hi. how are you feeling i'm feeling good i'm excited great so you are going to perform at the vh1 supersonic music festival do you have any rituals that you follow before your performance live performance yeah i have a couple of rituals i have invented new tricks and methods to perform so i am going through uh, that process of you know uh, developing everything quietly silently sitting in a uh, uh, quiet room meditating yeah. and understanding myself and you know bringing my artist self up which was not active for a while so I'm trying to get him back in the zone and I'm focusing a lot and I'm understanding now I'm ready for this. Great, you know I have to ask you this question. Today, you have two life. You and नहीं ये बात तो मुझे समझ में आई आ, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से दस साल से मैं काम कर रहा हूँ और शुरुआत में मैंने बहुत आ, वो, बहुत सारा अमीरी देखा और फिर मैं वापस बैक टू द रूट्स आया मेरे को ऊपर वाले ने मेरा जर्नी इतना इंटरेस्टिंग रखा है कि मुझे ये देखने मिला कि वापस मेरा फेस बुरा हो गया था जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने दोनों चीज़ देखा जब बहुत पैसे थे मैंने मर्सडीज़ ख़रीदा बैंड्रा में रहा और जब बिल्कुल पैसे नहीं थे तो मैं लोकल ट्रेन में घुमा फेमस होने के बाद भी तो मुझे पता ये चला कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है और पैसे पैसे के अलावा भी खुशियाँ रहती है खुशियाँ कहीं और भी है बिना पैसों के भी इंसान खुश रह सकता है पैसा सिर्फ एक कमोडिटी है उसको पानी की तरह समझता हूँ मैं जैसे टाकी में पानी भरता है ख़त्म हो जाता है फिर वापस भरता है ख़त्म हो जाता है वैसे ही मेरी तनख्वाह है आती है कमोडिटी है उसको यूज़ करता हो खत्म हो जाता है फिर आता है यूज़ करता हो खत्म हो जाता है बस बाकी मेरी ख्वाहिशात तो ऐसी भी पूरी हो रही है मेरा इंटरेस्ट ऐसी चीज़ों में है जिसमें पैसे नहीं लगते उसके लिए जज्बात लगते उसके लिए एहसास मोहब्बत और कुर्बानियाँ लगती है तो मैं वो आले पाथ पे हूँ तो मुझे मज़ा आ रहा है अब मुझे पैसे की कोई भूख नहीं है कोई लालच नहीं है अब मैंने सब देख लिया अब मैं एकदम कामली खेल रहा हूँ तो धीरे धीरे चीज़ें हो रही है मेरे लाइफ में ओके okay.

तो वहाँ पर मैं साउथ बॉम्बे की सबसे ऊंची बिल्डिंग के सबसे ऊंचे फ्लोर पे खड़ा था और वहाँ पे खड़े रह के मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है लाइफ में और वाकई में मैंने बहुत कुछ हासिल किया भी और लेकिन उसको वैलिडेट करने वाला मेरे घर से बहुत मतलब मेरे को दुनिया से बहुत रिस्पेक्ट मिला yeah. लेकिन मेरे घर पर उसका वैलिडेशन नहीं है तो मुझे वो सक्सेस फीकी लगी मेरे को लगा कि ये दुनिया के सामने तो मैं सक्सेसफुल हो गया लेकिन माँ बाप के सामने नहीं हुआ तो मेरे को माँ बाप के सामने सक्सेसफुल होना है इसीलिए मैंने ब्रेक लिया इसीलिए मैं म्यूज़िक से हटा और मैंने फैमिली में वक्त बिताया और अब मैं अपनी लाइफ को दुरुस्त कर रहा हूँ मुझे अब दोनों करना है म्यूज़िक भी करना है माँ बाप को भी खुश करना है तो अब मैं वही मेरी लाइफ की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है एक रोलर कोस्टर राइड जैसी है तो मेरे को इतनी खुशी हासिल हुई लेकिन उसका वैलिडेशन माँ बाप से नहीं मिला तो वो दिल पे नहीं लगा मेरे समझ रहे खुशी में भी गम था कम हंसते रोते ज्यादा हम है रस्तों पे रस्तों के सुरक्षित है तू घर पे ना जा रस्तों पे बच तू बे आदत है ये आदत है ये खाम खा, ये आदत है हालत है ये हालत है बनाई हमने हालत है क्या तो आपके पेरेंट्स किस चीज से खुश होंगे क्या आप बोलते कि बेटा तू ये कर से हमें खुशी मिलेगी वो बोलते हैं कि उनके लिए थोड़ा टफ़ है म्यूजिक को समझना वो जो रिलीजन और जो मेथड और जो फिलॉसफी फॉलो करते हैं जो कल्चर से वो बिलोंग करते हैं वहाँ म्यूजिक नाच गाना ये सारी चीज़ें ना बहुत आ, बुरी मानी जाती है जिसमें शर्म हया के लिहाज से या कल्चर तहजीब के अदब अदब के लिहाज से तो उन वो नहीं चाहते कि पड़ोसी या हमारे कल्चर के दूसरे लोग ये बोले कि तुम्हारा बेटा तो रैपर है और रैप और हिप हॉप का तो नाम इतना ख़राब है तो उनको बहुत बुरा लग रहा है कि मैं ऐसा इसमें यह आर्ट फॉर्म में जा रहा हूँ लेकिन मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं इस आर्ट फॉर्म में तो हूँ लेकिन गंदगी से दूर हूँ मैं ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं करता हूँ औरतों का वुमेन का डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ लिरिक्स में और मैं एक मैसेज फॉलो कर रहा हूँ एक मैसेज लेकर चल रहा हूँ मेरा सब्जेक्ट मैटर इंटरेस्टिंग रहता है और लोगों के लिए मैं फ़ायदा कर रहा हूँ मेरे लिरिक्स के द्वारा उनको मोटिवेट कर रहा हूँ तो ये बात मेरे पेरेंट्स को समझ समझ आने में टाइम लगा अब अब शायद वो समझ पा रहे मुझ पर यकीन कर, कर रहे कि शायद मैं सच में कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ नेक काम कर रहा हूँ जिससे उनका नाम रोशन होगा उनका सर ऊंचा होगा तो अब उनको ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है तो उसके लिए मुझे बहुत वक्त लगा दस साल लग गए उनको समझाने में तो अब मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स की खुशी इसी बात में है कि मैं जो म्यूज़िक के साथ दूसरी बुरी चीज़ें आती है बहुत सारी चीज़ें म्यूज़िक के साथ साथ चलती है तो वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को अवॉइड करके मैं सिर्फ म्यूज़िक अच्छे से करूं प्रोफेशन जो भी रहे मेरा बिजनेस करूं अच्छा कमाऊं और पैसे लाऊ और ख़िदमत करूँ शादी करूँ मतलब घर वालों का जिम्मेदार बेटा बन के बताऊँ मैं इकलौता लड़का हूँ घर पे तो इसलिए ज़्यादा उनको एक्सपेक्टेशन है और मैं भी अभी बहुत ऐसा हो गया और ना मुझे फ़ील होता है कि ज़िंदगी भर इन्होंने मेरे लिए इतना किया है कि जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते और जो अपन को लौटा भी नहीं सकते ऐसा ऐसा चीज़ें उन्होंने मेरे लिए किए

सो so, उस एक्सपीरियंस ने आपको क्या सिखाया और क्या चीज़ वो आपको उन बच्चों को बोलना चाहते हैं जो जो शायद अपने जो चाहत है वो कही कहीं कहीं ना मार रहे हैं और कभी-कभी बचपन में जो लोग क्राइम करते बचपन हाँ, करी, करी, में, में जैसे आपने बोला साइकोलॉजिकल तो नेचर के वजह से मौसम के वजह से परवरिश की वजह से एरिया की वजह से वातावरण की वजह से ऑटोमेटिकली बच्चे करते हैं तो जब बच्चे इस बुरी चीज़ में पढ़ जाते हैं तो उनको उस वक्त समझता नहीं है कुछ और मैंने जो भुगतान भुगता वो बहुत बड़ा भुगतान था मुझे बहुत आ, मतलब कड़ी सज़ा सहने नहीं मतलब ऐसे बोल सकते कि मेरे करियर के पीक पे मैं गायब हुआ था तो आ, मुझे ऐसा समझ में आया ना कि मेरी जो गलतियां हैं और आ, मेरे जो करतूत है उसका भुगतान मेरे को भुगतना पड़ा हर एक इंसान को भुगतना पड़ेगा कर्मा ज़रूर मतलब जो चीज़ तुम करोगे ना वो उसको तुम भरोगे अगर तुम अच्छा करते रहोगे तो सिर्फ अच्छा होते रहेगा और तुमने अगर बुरा किया है तो तुम बच के नहीं जाओगे तुमको नहीं अब, कोई भी बुरा करके नहीं बच सकता है मेरे मेरा मानना यह है कि या तो इस दुनिया में या तो आख़रत में या तो कभी ना कभी उसके पीछे वो बुराई वापस आएगी तो बच्चे लोग से तो मैं यही कहूंगा कि भाई मस्ती करो लेकिन एक हद में और बुरी चीज़ों से बच कर रहो माहौल का असर मत लो मिसाल बनो मैं उनके लिए एक मिसाल बना कि मैं अच्छा या जिंदगी जिंदगी मिलाया तो वैसे ही अच्छे लोगों को फॉलो करो अच्छी बातें करो गालियां मत दो चोरी मत करो डिसरिस्पेक्ट मत करो लड़कियां मत छेड़ो फन करो मज़े करो अच्छे जोक्स शेयर करो हेल्दी जोक्स शेयर करो और प्रॉस्पर होने की कोशिश करो मेहनत करो अपने काम पे अपने स्टडीज़ पे क्योंकि बाद में तुमको लटकना नहीं है तुमको बाद में पछतावा होगा कि मैंने अपना बचपना इतना प्रोडक्टिव क्यों नहीं बिताया मैं इतना टाइम पास क्यों कर रहा था अपने बचपने में बाद में तुमको बहुत पछतावा होगा तो मैं चाहता हूँ बच्चे लोग को प्रोडक्टिव रहने के लिए कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे काम है या तो तुम्हारा शौक क्रिकेट खेलो हॉकी खेलो टेनिस खेलो फुटबॉल खेलो शौक पूरे करो अच्छी लाइफ स्पेंड करो और अपनी सेहत को ख़राब मत करो नशा करके सिगरेट पी के गुटखा खा के तंबाकू खा के ये जो आजा है ये जो ऑर्गन्स है ये बहुत स्पेशल है और ये ऊपर वाले ने गिफ्ट दिया है तो इसको बर्बाद मत करो इसको खराब मत करो हेल्दी रहो और बुरी आदतों से बचो गली बॉय चेंज योर लाइफ इन एनी वे और क्या आपके पेरेंट्स ने वो मूवी देखी गली बॉय मूवी के पेरेंट्स के बारे में तो मत पूछो क्योंकि उसमें फ़िक्शनलाइज कर दिया गया था सब कुछ जो असली स्टोरी नहीं है वो भी बताया कि बाप की दो शादी होती है और वो गली बॉय का मुराद दो रिलेशनशिप में रहता है ऐसा कुछ है नहीं हकीकत में मेरे डैड मेरे मॉम एक ही है मैं भी आ, कभी ऐसा दो रिलेशनशिप नहीं किया मैं वैसा बंदा नहीं हूँ बाकी जो दूसरी चीज़ें दिखाई गई है उसमें जैसे आईपैड पे गाने बनाता है मुसलमान फैमिली से रहता है वो सब तो आ, सच है हकीकत है और उसमें जो आ, बाकी सब झूठ मूठ बताया फिक्शनलाइज किया है तो मेरा यही मानना है कि लोगों को उस पर यकीन नहीं होना चाहिए मैं सच्चाई स्टोरी के साथ सच्ची स्टोरी के साथ मैं वापस आऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि असली स्टोरी क्या थी तो गली बॉय से मेरी लाइफ में बदलाव तो आया बोथ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइकोलॉजिकली मुझे बहुत हार्म हुआ क्योंकि मेरी पर्सनल स्टोरी को उल्टा सीधा बताया तो बिजनेस वाइज मेरा फ़ायदा हुआ मेरे को आ, बहुत सारे रिकग्नेशन मिला और वैलिडेशन की मुझे ज़रूरत नहीं थी मैं बॉलीवुड का मोहताज नहीं था लेकिन फिर भी मुझे उससे फ़ायदा हुआ कि हर जगह मेरा नाम हुआ प्रेस में इधर उधर लोगों ने बोला कि नेजी मतलब एक बड़ा आर्टिस्ट है और वो बहुत सटल तरीके से हमने उसमें मतलब मैं रोल में हूँ नहीं सारे बाकी सीन के रैपर्स उसके वीडियो में है मूवी में है और मैं हूँ नहीं मैं अकेला बंदा हूँ जो नहीं हूँ और वो गाना शुरू होता है मेरे असल असल सॉन्ग से तो बहुत सटल शाउट आउट दिया है मुझे मूवी में वो मुझे पसंद आई बात कि जोया अख्तर ने बहुत दिमाग से खेला है और मुझे आ, लोगों ने कितना रिस्पेक्ट किया उसके वजह से बहुत सारी रिस्पेक्ट भी मिली है मुझे कई तरह कई लोगों ने मुझे बोला है कि भाई तेरे ऊपर मूवी बनाए बोले तो बड़ी बात है तेरे करियर का अभी बिगिनिंग ही था और तेरे ऊपर मूवी बन गया तो जैसा लोग सोचते हैं अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग सोचते हैं तो उसका असर मुझ पर होता है कुछ लोगों ने रिस्पेक्ट दिया तो रिस्पेक्ट लिया कुछ लोगों ने मुझे अपमान दिया तो मैं लिया नहीं क्योंकि अपमान मान लिया सम्मान लिया पत्ते भी नहीं रखा दबा के दुश्मन मेरे से घबराते मैदान छोड़ के वो घर भागते नाम लेना बेटा मेरा अदब से काम मैंने भी किया गजब के क्या जब आप सक्सेसफुल हो रहे थे जब आप इस तरफ तरफ से उस तरफ आ रहे थे आई एम श्योर बहुत लोगों ने आपको बहुत अलग अलग तरीके से ट्रीट किया होगा कुछ लोगों ने आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया होगा कुछ लोगों ने आपको उतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया होगा एक चीज जो आपने सीखी हो की जब मैं उनकी जगह पर आऊंगा तो मैं ये चीज किसी और के साथ नहीं करूंगा एक चीज जो आपने दिमाग में रखी है आ, मेरे साथ तो मैं मेरा बिहेवियर पहले से अच्छा था मैं जब उधर से इधर आ रहा था ना तो जो इधर वाले थे ना वो मुझे इधर वाला ही समझते थे कि मेरा गेटअप मेरा उठना बैठना हमेशा ऐसे अच्छे लोगों के साथ था तो आ, मैंने उनसे यही सीखा हो कि लव लव सीखा हो मैंने उन लोग प्यार देते गली से हो कहाँ से हो जहाँ से भी हो प्यार एक ऐसी चीज़ है ना मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी बड़ी चीज बड़ी बड़ी घटनाओं को टाल सकते हैं बड़ी बड़ी नासमझी को दूर कर सकते हैं आप आपस में जो नफ़रत है वो ख़त्म हो सकती है तो मुझे लगता है सोशल डिफरेंसेस तो अपने सोसाइटी में बहुत है इधर वाले सोचते हैं उधर वालों के साथ नहीं चिल करने का इधर वाले उधर वालों को समझ नहीं पाते तो बहुत सारे डिफरेंसेस है लेकिन हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराते हैं लाइफ में और हम लोग सब सबका सिस्टम ऐसा जुड़ा हुआ है तो मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ जो कभी नहीं बुरी बोलना चाहिए किसी के लैंग्वेज पर किसी की ऐसी जो खामियां है वो नेचुरली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे है, और वो नेचुरली हिंदी और उर्दू का बंदा है तो उसको अगर इंग्लिश नहीं आ रही है तो उसकी फिल्म मत बनाओ देसी भाषा बम्बैया भाषा उर्दू भाषा और हिंदी भाषा ये हमारी देश की भाषा है और इसमें हम प्राउडली बात कर सके इसलिए मैं ऐसा रैपर बनाऊ मैं हिंदी रैपर इसलिए बना क्योंकि मैं लोगों को बता सकूं कि हम कूल हो सकते हैं हिंदी बोल के भी कूल हो सकते हैं और इंग्लिश अगर नहीं आ रही है तो उसकी फिल्म मत बनाओ उसके ऊपर रहम करो yeah. जैसा कहते हैं अगर कोई अपने में वो चीज़ के चेंज नहीं कर सकता है, तो चुप रहिए मत बोलिए थैंक यू सो मच इट वाज वंडरफुल टॉकिंग थैंक यू